हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलएन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए, लो ब्लड प्रेशर को अपन कर लिए थे, क्या क्या कंडीशन था, उसके कंडीशन सारे के सारे क्यों हुआ था, उसके कॉज के बारे में भी जान लिए। अब अपन जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होती है, मतलब किस तरह से क्रिएट होता है और हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो आपको बताया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 80, ये नॉर्मल है। यदि इससे कम होता है दैट मीन्स कि मतलब कि 100/60 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर। यदि उससे एबव हो, मतलब कि यहाँ पे अपन बात करें 140/90, तो यहाँ से काउंट करेंगे कि इट शोज द हाई ब्लड प्रेशर, बट रियल में मतलब कि यहाँ पे अपन बात करें 160/100, मतलब कि 160 क्या हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 100 जो हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या हो सकता है, मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें बताया है, बहुत बार बताते गया है कि हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या होगा। तो मैंने कहा था कि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है। मान लो कि क्या हो गया कि आपका आपका आर्टरी का लुमेन छोटा हो गया बाय द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कंडीशन है कि आपके फैट डाइट आपने इंक्रीज कर दी उस कंडीशन में। तो तीसरी कंडीशन में आपको बात करें कि क्यों होता है, तो एजिंग की वजह से भी, एज भी क्या करता है, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। दूसरे कंडीशन ओबेसिटी के बारे में मैंने बात किया कि ओबेसिटी, ज़्यादा ओबेज हो जाए, ज़्यादा मोटा हो जाए, तो मोटा आदमी को 100 बीमारी, भाई सबसे पहले तो यही लेके जाएगा हार्ट डिजीज, जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको बात करो कि इसकी इसकी कॉज क्या है और कितने तरह के जो है ब्लड प्रेशर होता है, कौन माइल्ड है, कौन जो है मैलिग्नेंट है। तो कंडीशन क्या है कि कौन कौन जो है बेनाइन है, कौन मैलिग्नेंट है, कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे दो चीज़ों का कि आपका ये ब्लड प्रेशर राइज क्यों होता है। यहाँ पे ही थोड़ी सी बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस का और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का। और यहाँ पे जो डिपोजिशंस में बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, क्यों डिपोजिशंस होती है और कोलेस्ट्रॉल क्या, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप स्टार्ट करिए हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पे स्टार्ट करिए हाई ब्लड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर के फैक्टर, हमने कहा था कि फैक्टर क्या क्या होगा, एक बार फिर से रिवेन्यू करो कि एज आपका क्या हो गया, एज आपका इंक्रीज कर गया, यदि फैट डाइट आपने क्या किया, इंक्रीज किया, मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे लुमेन ऑफ आर्टरी जो है क्या हो गया, नैरो हो गया, छोटा हो गया। उस कंडीशन में यदि ओवेज हो गया, इंसान मोटा हो गया उस कंडीशन में, तो इस तरह से अपन बहुत सारा यहाँ पे सॉल्ट डाइट भी आपने क्या किया, बढ़ा दिया, सॉल्ट डाइट भी क्या किया, बढ़ा दिया, उस सिचुएशन में भी आपका क्या होगा कि ये मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर होगा। ये मैंने ओवरऑल बात किया, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर का एक जो आंकड़ा बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर कितने माने जाते हैं, तो 160/100 mm ऑफ एच जी ये माना जाएगा। लेकिन जैसे ही मतलब इतने पे आ गया 140/ ठीक है ना 90 आ गया, तो ये स्टार्टअप है, ये श्योर शॉट है कि आप जूझ रहे हो क्या हाई ब्लड प्रेशर से। इतनी बात तो समझ में आती है। अब क्या कंडीशन है कि ये हाई ब्लड प्रेशर की टाइप के बारे में बात करें, तो दो तरह के हाई ब्लड प्रेशर होते हैं। एक तो एक को बोलते हैं प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर, एक इसी को बोलते हैं बेनाइन, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी हो गया, बेनाइन हो गया, इसी को बोलते हैं एसेंशियल, ये ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरे के कंडीशन में इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी को क्या लिखते हो बेटा, 1 degree, अक्सर लिखते हैं 2 degree, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी, इसी को बोलते हैं क्या, मैलिग्नेंट, इसी को बोलते हैं, दो तो हो गया आपका ये
ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपका किस तरीके से इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर और कैसे करेगा, क्या रीजन हो सकता है प्राइमरी में और क्या रीजन हो सकता है सेकेंडरी के कंडीशन में। तो प्राइमरी वाले के कंडीशन पहले मैं बात करूँगा कि ये क्या सिचुएशन है। यहाँ पे सीन जो बनता है ये वाला जो होता है कि इसकी कंडीशन में क्या होता है कि इट इज माइल्ड, माइल्ड है, ठीक है ना, इट इज, ठीक है ना, माइल्ड। और यहाँ पे बात करें कि इसके लिए इट इज, ठीक है, इट अकर्स इन एल्डरली एज, मतलब कि एज ज्यादा हो जाएगा उस सीन में ये होगा। यहाँ पे क्या होता है कि इस कंडीशन में ये जो होती है इट इज मोर डेंजरस, इट इज मोर डेंजरस बिकॉज देर इज नो परमानेंट क्योर। इसकी परमानेंट क्योर नहीं है, आप कंप्लीटली ठीक नहीं होगे जब ये आपका हो जाए प्राइमरी वाला के कंडीशन में। यहाँ पे कंडीशन है कि देर इज नो लोकल कॉज, देर इज नो लोकल कॉज। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई कॉज नहीं जिसके वजह से ये होगा, देर इज नो लोकल कॉज। तो कॉज क्या है भैया, ये कॉज मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, यहाँ देखो इसको करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज के कंडीशन में आपको मैं बात करूं तो इसका कॉज क्या क्या हो सकता है और इसके कंडीशन में बोले तो ये क्या क्या बात हमने किया था कि ये जो होती है माइल्ड होता है, ये इट इज क्रॉनिकल, इट हैज परमानेंट क्योर। इसका क्योर क्या है बेटा, परमानेंट है, ठीक है। यहां पे इट हैज लोकल कॉज, तो दोनों के कंडीशन में हमें कॉज लिखना पड़ेगा कि क्या क्या कॉज हो सकता है। तो लाइट कम, चलिए दिखता होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे लोकल कॉज है, मतलब कि हमारे बॉडी का ही अंदर का कॉज है। तो वो कॉज क्या हो सकता है, यहाँ पे अपन कॉज की बात करो तो कॉज दो है। यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शनल है, कोई चीजें हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो गया। दूसरा हार्मोनल है, क्या है, हार्मोनल है, हार्मोन की वजह से, उतार चढ़ाव की वजह से, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज इन वैसो मोटर टोन, यहाँ पे सॉल्ट डाइट क्या क्या हमने डाइट हमने क्या क्या इंक्रीज कर दिया और एज भी क्या हो गया, एज भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सारे के सारे लोकल कॉज, इसमें लोकल कॉज है, बट ये लोकल कॉज नहीं, हम बाहर से इस चीज़ों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि ये कॉज है आपका, यहाँ पे भी हमने क्या क्या कॉज किया। तो यहाँ पे देखो ये क्रिटिकल क्रॉनिकल है, ठीक है ना, माइल्ड है, ये क्या था, ये क्या है, माइल्ड है, इसका परमानेंट क्योर नहीं है, बट इसका क्या है, परमानेंट क्योर है। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों के दोनों कंडीशन में हमने बात करी कि ये माइल्ड और आपको जो है दोनों जो है दोनों सीने बन रहा है। तो अब आप समझ सकते कि आपके लिए जो है ये क्या होता है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में कौन कौन सीन आपको बनते हैं, इसके कॉज क्या है, कॉज आप जान सकते हो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, मतलब कि 90% केसेस में अपन बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है जिसके वजह से होगा। तो मैं ऊपर लिखूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ ये क्या है दोनों के दोनों के लिए, एथेरो एस्क्लेरोसिस, आर्टेरियो एस्क्लेरो सिस, ठीक है ना, वेरिकोज वेन,
ठीक है। और क्या भैया कि प्लग के वजह से, अब ये प्लग, ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, ये सब होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ठीक है ना, क्या भैया, कैल्शियम आयन एंड कोलेस्टेरॉल इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ये सारे चीज़ के डिपोजिशन की वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मैं इसका इसको इसको डिजीज में बताने वाला हूँ, चलो थोड़ा सा मैं इसको बता ही देता हूँ ताकि आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना, कि क्या कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लग के साथ साथ एक चीज और काउंट कर सकते हो आप, इंक्रीजिंग ओबेसिटी एंड एज, एज इंक्रीज कर जाए या ओबेसिटी, उसकी मोटापा बढ़ जाए, उस सीन में आ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अपन आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। तो देखो आपको दिमाग में आ रहा है कि ये चीज़ें आपको दिख रहा है, आर्टेरियो मतलब किसकी बात कर रहा है, आर्टरी की बात कर रहा है, एस्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग। ये सब आर्टरी में हार्डनिंग क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन। वो किस तरीके से, देखो बेटा ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस जगह पे इसकी मैं इंडोथेलियम बना देता हूँ, इसको मैं इंडोथेलियम बना देता हूँ, यहाँ पे जो है कैल्शियम सबका डिपोजिशन होने लगता है, ये कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगा, कैल्शियम की डिपोजिशन होने लगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगा, जिसकी वजह से ये कैल्शियम आयन का डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से ये वेसल्स की क्या होती है, हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, यहाँ पे ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम आयन की डिपोजिशंस हो रही है, कैल्शियम आयन की डिपोजिशंस हो रही है, तो आपको क्या कंडीशन है, हमने बताया कि ये क्या हो गया आपको, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या है, एथेरो मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए एथेरो मीन्स क्या होता है, एथेरो मीन्स होता है प्लग। किस चीजों का प्लग, हो सकता है कि ब्लड सेल्स की प्लग हो, ब्लड सेल्स की प्लग हो, या हो सकता है कि वहां पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया हो, तो किस इसके वजह से जो हार्डनिंग हो गया, दैट मीन्स कि आपके पास ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हमने कहा कि यहाँ पे एंडोथेलियम है, ये क्या है, एंडोथेलियम है, और एंडोथेलियम होने के बावजूद यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल खुरदुरा पैदा करता है, जो LDL की बात करते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के अटक जाते हैं, और अटकने के बाद ब्लड सेल्स जितने भी आते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, जैसे ही फंसते जाते हैं तो इसकी डिपोजिशंस होते जाते हैं, इसकी डिपोजिशंस होते जाते हैं ब्लड वेसल्स में, इसकी डिपोजिशंस होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम आयन का डिपोजिशंस हो गया, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशंस हो गया, कोलेस्ट्रॉल दोनों मिला करके क्या बना दिया आपको, प्लग बना दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, जिसकी वजह से ये इसकी डायमीटर तो घट गई, पहले तो ऐसी इतनी डायमीटर थी, अब डायमीटर कितनी रही, ये देखो डायमीटर घट गई, तो कहीं ना कहीं आपका ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ, ठीक है ना। हमने कहा था कि दूसरी कंडीशन में जो बोला था कि जो सेकेंडरी वाला जो था, मतलब कि मैलिग्नेंट वाली जो हमने ब्लड वेसल्स की बात की, तो उसमें क्या बोला था कि दोनों के दोनों कॉज बोला है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो एथेरो का कंडीशन में क्या हो गया, ब्लड वेसल्स की लुमेन जो है छोटा हो गया, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर्स क्या हो जाएगा बेटा, प्लग के वजह से ब्लड प्रेशर्स बहुत ही बढ़ जाएगा, इट लीड्स टू द हाई ब्लड प्रेशर्स,
ठीक है ना। सॉल्ट डाइट इंक्रीज करने से क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं सॉल्ट डाइट इंक्रीज करने से क्या होता है कि ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड क्या हो गया, विस्कस हो गया, ब्लड क्या हो गया, विस्कस हो गया। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो रीज़न बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट आपने आपको मैंने बता दिया आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, ये भी क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी डिसऑर्डर है, और ओवरऑल बोला जाए तो हाई और लो ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉन्टेन अ डिसऑर्डर ऑफ द वास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, हार्ट। चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।